सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल सत्यम मोटो व्लॉग्स। एंड आज आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर खड़ी है स्कॉर्पियो। एंड सो बेसिकली आज हम इसका करने वाले रिव्यू। हाँ, ये कार जो है बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है, बट स्टिल बहुत लोग इसको बाय कर रहे हैं आज के टाइम पे। और ये जो कार है, आई थिंक वर्थ फॉर मनी मुझे लगती है। दैट्स वही आज इसका रिव्यू करने आए हैं। यहाँ पर आपको अगर इसका मॉडल बताता हूँ, दैट इज़ स्कॉर्पियो NL, दैट मीन्स स्कॉर्पियो N लग्जरी है। और इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आती है समथिंग अराउंड भाई 27 पॉइंट कुछ कहती है, तो अगर राउंड फिगर हम रखते हैं 28 लाख की ऑन रोड आ जाती है इंडिया में। और इन डेप्थ में जो इसके स्पेक्स हैं वो सब हम बैक कैमरे से स्विच करके आपको दिखाते हैं। सो हेयर वी हैव द ऑल न्यू स्कॉर्पियो NL, दैट मीन्स लग्जरी मॉडल। और अगर हम बात करते हैं तो भाई ये ऑन रोड आपको मिल जाएगी इस टाइम पे 28 लाख के अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट बिकॉज ये लग्जरी मॉडल है। और अगर हम ये बात करते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक डीजल वेरियंट कार है, और साथ ही साथ में इसके जो अलॉयज हैं वो आपको मिलते हैं 18 इंचेस, राइट। एक और मॉडल इसका आता है, दैट इज आई थिंक एक्सप्लोरर, वो उसमें आपको 4x4 वगैरह मिल जाता है, बट ये जो मॉडल है 2x4 वाला है। और आई थिंक जो लोग रहते हैं प्लेन एरियाज में उनके लिए सफिशिएंट है ये कार 2x4 वाली, जस्ट बिकॉज की को पता है 4x4 का इतना यूज़ नहीं होता है, जिको इतना ज़्यादा कोई ऑफ रोडिंग करता नहीं है। तो जो आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया में हमने बहुत अच्छे से भी ऑफ रोडिंग करी, तो मेरे को तो नहीं लगता इस एरिया के लिए भी इसको जरूरत है। नॉर्मल अगर आप पहाड़ पर भी जाते हो ट्रैवल करने, वहाँ पर भी आपको 4x4 की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2x4 ही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से बात करते हैं कलर की, दैट इज़ अ मेटेलिक ब्लैक कलर, और ये काफ़ी लिटरली बहुत सही कलर लग रहा है। ब्लैक कलर स्कॉर्पियो मतलब भाई एकदम समझ लो यूपी वाले को नहीं होता बदमाशी बेडमॉश, तो वाली फीलिंग वाला कलर है भाई। टॉप मॉडल लग्जरी कार है, ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली फीचर्स तो बहुत अच्छे अच्छे होंगे। एक्सटीरियर से हम बात कर लेते हैं मेन, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए इंजन स्पेक्स की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज सो आउटडेटेड, ठीक है। अगर हम इंजन स्पेक्स की बात करने जाएंगे तो बहुत बोरिंग हो जाता है, हम डायरेक्ट इसको चला के इसका रिव्यू आउट करेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम कुछ इसकी स्पेशल चीज बताएंगे जो बहुत अच्छी है प्राइस रेंज में, जैसे ये कार आती है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको लेने के। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ऑटोमेटिक है, ठीक है। सेकंड थिंग आपको डीजल वेरिएंट मिल जाता है बिकॉज बहुत अच्छा है। थर्ड थिंग आपको पर इसके जो अलॉयज हैं आप देख सकते हो वो मिल जाते हैं 18 इंचेस के, तो डेफिनेटली भाई बहुत वाइड और बहुत अच्छा लुक देते हैं। एंड यहाँ पर हेडलैम्प्स की बात कर लेते हैं, बेसिकली दीज आर द ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ठीक है। तो अगर आप पार्किंग वगैरह में लगाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। सो बेसिकली अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात कर रहे थे, तो आपको पता है जब भी कार हम लोग कभी टर्न आउट वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे हमारा एक साइड जो होता है वो हमेशा ब्लैकआउट होती है, एक टाइप से कह लो ब्लैक स्पॉट होता है। कार में आपको मिल जाता है भाई फॉलो मी लाइट का फीचर, जिसमें अगर आप कभी भी टर्न लेते हो लेफ्ट या राइट तो उस साइड में एक लाइट ऑन हो जाती है, और आपको वहाँ पर अच्छा खासा एक लाइट की वजह से आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ गुड फीचर। बाकी इसका अगर एक ओवरऑल लुक है तो वो भी आपको मैं 360 दिखा देता हूँ। बिफोर दैट आपको बताना चाहूंगा, देखिए DRLs वगैरह आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो लाइट्स मिलते हैं दीज आर, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, DRLs देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप्स भी देखने को मिल जाएंगे, बेसिकली दीज आर LED लैंप्स। और भी आपको नीचे जो फॉग लाइट है उसमें भी आपको प्रोजेक्टर टाइप की ही मिलेंगे LEDs, उसमें भी DRLs मिल जाएंगे पर्टिकुलर। तो डेफिनेटली यहाँ पर महिंद्रा जो है भाई इम्प्रूव आउट कर रही है इंडिया में, बिकॉज इंडियन कंपनी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रॉपर LED लाइटिंग, और साथ ही साथ में आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जा रहे हैं, डेफिनेटली इनका फोकस तो भाई बहुत अच्छा होता है। तो ये है इसकी की। अब इसके इंटीरियर को दिखाने से पहले ना एक बार मैं आपको पूरा इसका आउटलुक दे देता हूँ, ठीक है, सिनेमैटिक टाइप वाला, तो थोड़ा सा आपको देखने में मज़ा आ जाए कि कार लिटरली दिखती कैसी है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बहुत व्यूइंग एंगल से दिखाए हैं कौन से एंगल से भाई कैसी कार लगती है। तो डेफिनेटली भाई डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे तो एक बेदमोश वाला लुक देती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ब्लैक कलर, अगर शीशे भी फुल ब्लैक टिंटेड करा दें तो भाई डेफिनेटली बहुत खतरनाक लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर से शुरुआत करते हैं अपन लोग। तो ये है इसकी की, की से भी अनलॉक कर सकते हो आप। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप यहाँ पर ये देखो डोर प्रेस बटन मिलती है, आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके, देखिए अभी तो फिलहाल लॉक हो गई, ठीक है, हमने वापस क्लिक आउट किया, लुक खुल गया। ये है उसका कुछ इंटीरियर। और इंटीरियर अगर बात करते हैं तो बेसिकली आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा, दैट इज आप कह लो कि डार्क ब्राउन एंड द ब्लैक। लेकिन ये जो इंटीरियर है ना भाई डेफिनेटली बहुत ही लग्जरी फील देता है। इवन दो इसमें आप देखोगे ना तो ये प्योर लेदर तो नहीं है, बट स्टिल भाई जो लेदरी फिनिश है ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है बैठने में, टच करने में। एंड इवन दो जो प्लास्टिक भी है, नॉट टाइप ऑफ प्लास्टिक बट ये जो है ना ये मटेरियल, ये भी बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सो महिंद्रा डेफिनेटली इम्प्रूव कर रही है यहाँ पर। और अब स्पेसियस थिंग्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, तो यहाँ पर जो इसका स्पेसियस की मैं बात कर रहा था, स्पेसियस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। अभी मैं एक डिफरेंट एंगल से आपको वो क्लिप दिखा देता
लेता हूँ, जिसमें कि मेरा लेग रूम में कितना स्पेस है, हेड रूम में कितना स्पेस है, वो मैं भी डिफरेंट क्लिप अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी अगर कॉकपिट की बात करते हैं तो डेफिनेटली भाई कॉकपिट एक बहुत ज़बरदस्त फील दे रही है। तो यार ये जो कंट्रोल्स है ना, ये लैम्बो वाले बस कह रहा हूँ, लेकिन है डेफिनेटली भाई बहुत अच्छे। टच से डेफिनेटली बहुत अच्छे, बिकॉज टच का रिस्पॉन्स यार होता है अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा तभी वर्क करता है जब वो बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम कार हो। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन ब्रांड्स की, तो डेफिनेटली ये जो बटन है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा तगड़ा फील देते हैं। इवन तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मैं आपको अभी एलिब्रेट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे बताया कि इंटीरियर तो भाई डेफिनेटली बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं बोल रहा था आप लोगों से, डुअल टोन में मिल जाता है लेदर प्लस ये जो फिनिश है। स्पीकर्स आपको यहाँ पर, हाँ डेफिनेटली नंबर ऑफ काउंट नहीं किए मैंने, लेकिन स्टिल बहुत सारे मिल जाते हैं, सोनी के मिल जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी भी अभी आपको मैं चेक करा दूंगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया था कार ऑटोमेटिक है, ठीक है। और डोर्स की मैं बात करता हूं, देखिए भाई डोर्स ना काफी हैवियर साइड पे हैं, हैवी साइड होने से अच्छा ही होता है ना भाई कि आपकी सेफ्टी पता चलती है। देख रहो इतना हैवी डोर है भाई कि बंद थोड़ा तेज करना पड़ता है, अगर आप ये देख रहो पुश करना पड़ रहा भाई, और अगर धीरे से करोगे तो गेट बंद नहीं होगा। सो ये होता है भाई महिंद्रा की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है बेसिकली। भाई स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त कार है। एंड यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पार्किंग की बटन मिल जाती है, ये आपको हाई बी मैनेज करने का मिल जा रहा है, ठीक है। ये एसी वेंट्स हो गए आपके। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर हम इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इस जो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का साइज क्या है, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा चेकआउट करके, या फिर जो ओनर है उनसे पूछ के मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी इन्फोटेनमेंट अभी ऑन करके दिखाएंगे, बिफोर दैट आपको बता, तो यहाँ पर आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। सी सबसे पहले आपको यहाँ पर म्यूट पावर बटन का ऑप्शन मिल जाता है, ये सारे आपके कुछ होम का है, कॉल का है, म्यूजिक का है, बैक ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन, फेवरेट्स का ऑप्शन, ये कुछ आपके ओवरऑल बड़े बड़े यहाँ पर मेजर बटन्स हैं जिसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एसी का कंट्रोल मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगा इन कंपेयर टू नाउ डेज जो कार आ रही है इस सेगमेंट में, जस्ट बिकॉज अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको डुअल एसी का ऑप्शन मिलता है। लाइक अगर आपको जो को पैसेंजर है उनको मान लीजिए एसी चाहिए, बहुत ही लाइक चिल चाहिए, एकदम शिमला चाहिए भाई, तो उनके लिए हमने यहाँ पर लो कर दिया पूरा, और अपने साइड वाली एसी हमने हाई कर ली 22 पे। तो लाइक ये बहुत सही फीचर है कि हमने अपनी अपनी एसी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी भाई मेरे हिसाब से बैठने में तो नो डाउट कंफर्टेबल बहुत फील हो रही है मेरे को सीट इसकी, ठीक है। हैंड ब्रेक वगैरह भी ओपी है, एंड यहाँ पर भाई काफी अच्छा है, आप देख सकते हो जो ग्लास होल्डर है, कैमरे वगैरह पड़े हुए हैं, ये अपने पास दो ग्लास होल्डर्स हैं, और साथ ही साथ में आप देख सकते हो गियर के पास में भी जो ये देख के रखा है भाई, प्रीमियम फिनिश दी एकदम, ठीक है। ये शिफ्ट लॉक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, स्पीडोमीटर आपको ऑन करके दिखा देते हैं। बाकी स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, स्टीयरिंग पे भी आपको देखिए बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो वॉल्यूम का और म्यूजिक अप डाउन का, सोर्स चेंज करने का, एंड कॉल पिक और कट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एंड साथ ही साथ में मैनुअल करने के लिए कि आप अगर स्पीडोमीटर के अंदर कोई अपना मोड चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप टॉगल अप कर सकते हो, म्यूजिक रिज्यूम कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। वेल अभी हम ऑन करते हैं पहले, फिर देखते हैं। ऑलराइट, सो काफी बहुत ही यार बढ़िया लग रहा है इसका देखने में भाई। बेसिकली आपको यहाँ पर डिटेल्स काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे लेफ्ट में आपको मिल जा रहा है आरपीएम, एंड राइट में मिल जा रही है आपको टॉप स्पीड देखने के लिए। एंड देन यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जा रहा है कि कितना फ्यूल है कार में, राइट साइड में हीट मिल जा रही है। इन सेंटर आपको देखने को मिल जाएगी पार्किंग पे है, जैसे ऑटोमेटिक आपको बताया था पार्किंग, रिवर्स एंड न्यूट्रल प्लस स्पोर्ट्स मोड, ये सब आपको यहाँ पर चेंज करने को मिल जाएगा। बाकी इन बिटवीन आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाएंगी, जैसे डिजिटल स्पीड है, राइट, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज आउट कर सकते हैं, लाइक सी डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो है, नेविगेशन है, एंड सेटिंग्स है, अलर्ट हिस्ट्री है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, कितना जाएगी, एंड डिजिटल वही चीज़ आ गई है यहाँ पर। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेविगेट हम यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो नेविगेशन भी हम चेकआउट कर सकते हैं, फ्यूल रेंज को भी एक बार ओपन करके हम देख लेते हैं, ड्राइव इन्फो में देखते हैं वैसे क्या क्या मिलता है हमें। ऑलराइट, सो यहाँ पर ड्राइव इन्फो में आप देख सकते हो हमें डिस्टेंस दिखा रहा है ना हमने टोटल, तो ये कार अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 5000 ही किलोमीटर्स चली है, वो 68 को भी काउंट आउट नहीं कर रहे हैं हम। एवरेज स्पीड दिखा देगा आपको, टाइम दिखा देगा, एंड यहाँ पे और मोड्स स्विच करके देख लेते हैं। फ्यूल इन्फो में अगर हम देख लेते हैं आपको फ्यूल रेंज दिखा देगा, माइलेज दिखा देगा, सो माइलेज 9.8 लाइक 10 का, तो भाई स्कॉर्पियो से आप माइलेज डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ बैडैश कार, यू नो, तो इसके लिए बस आपको भाई माफिया गिरी मज़े के लिए लीजिए और इसमें माइलेज एक्सपेक्ट मत करिए। बाकी रेंज आपको दिखा रहा है 322 किलोमीटर्स, एंड अगर हम बैक जाके देखते हैं और चीज़ें यहाँ पर आप और भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, नेविगेशन वगैरह। व्हीकल इन्फो में हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमें मिल जाता है देखने के लिए। कल इन्फो में जैसे हमें बताया टायर प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाएगा, और टायर टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली टायर प्रेशर में लिटरली बहुत सारी फीचर्स है जो आप उसमें एक्सप्लोर आउट कर सकते हो, आप पूरी गाड़ी की डिटेल बैठे बैठे देख सकते हो। और एक इसकी बेस्ट थिंग जो मेरे को लगी है भाई, लिटरली बेस्ट थिंग,
वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक मैं बात कर रहा था जिस चीज़ की, कि जो बहुत ही बेस्ट थिंग है जो मुझे लग रही थी, वो ये है कि आप इस कार को ना अपने फ़ोन से कंट्रोल आउट करते हो। लाइक सीरियसली मैन, अगर आप अपने ऑफिस में हो या फिर अपने घर में हो, और बाहर इस टाइम पे आपको पता है बाहर भाई कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस अपने फ़ोन से इस कार को ऑन कर देना है या एसी वगैरह ऑन कर देना है। जैसे कार आपकी चिल आउट हो जाती है, आप इस कार में आके बैठ जाइए। तो डेफिनेटली यार ये सारे फीचर्स एक वर्थ इट फीचर्स हैं यार। सनरूफ देखने को मिल जाती है, और हालांकि इतनी बड़ी सनरूफ नहीं है ये, बट स्टिल यार हाँ इतनी अच्छी है कि लाइक मजे वजे मार सकते हो इसमें। ठीक है, ये एक बहुत ही जेन्युइन रिव्यू में दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें आप अच्छे खासे मजे मार सकते हो। बाकी आपको दो स्पीकर्स अप साइड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, दो स्पीकर्स दे रहे हैं, एंड आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं टोटल, और 6 एयरबैग्स मैंने बताया साइड साइड में, एंड फ्रंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक वहाँ पर डैश पे, एक यहाँ पर मिल जाएगा, एंड पीछे साइड में मिल जाएंगे। तो 6 टोटल एयरबैग्स आप देख सकते हो, वहाँ पर भी SRS के एयरबैग्स लिखे हुए हैं, एंड पीछे का भी जो सीटिंग स्पेस है वो भी आपको दिखा दूंगा, और बूट स्पेस समथिंग अराउंड 600 का कुछ लीटर्स का आता है, तो भी आपको मैं भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली इंफोटेनमेंट की बात कर लेते हैं, तो इंफोटेनमेंट भाई टच स्क्रीन आता है आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको फीचर्स की बात करें तो रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, म्यूजिक, फोन, नेविगेशन, आप मैप देख सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन तो आपको इसमें मैपल मिल जाता है जो कि भी बहुत ही लेटेस्ट है, इंडिया के सारे रोड्स हैं उसमें, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, बस अपन ऐसे बता रहे हैं, अगर पेड प्रमोशन होता तो अच्छा होता। बाकी होम पे आके भी आप चीज़ें देख सकते हो, वैसे होम पे ही सारी चीज़ें, कुछ खास फीचर्स हैं इसमें जो आप सारे एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। बाकी एसी जैसा मैंने बताया कि भाई एसी वेंट्स के काफ़ी बढ़िया है और पावरफुल भाई है एसी, काफ़ी बढ़िया चिल कर देती है। स्पीकर्स का साउंड अभी मैं एट लास्ट सुनाऊंगा जब ड्राइविंग टेस्ट करूंगा। सो बेसिकली देखिए, केबिन में आपको जब ड्राइव करोगे तो कोई नॉइस नहीं मिलेगी, कि यहाँ पर कोई नॉइस नहीं मिलेगी, वो सब अभी ड्राइव करते हुए मैं बताऊंगा। बिफोर दैट जो मेजर चीज़ें मैं आपको बता दी, यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, राइट, आप देख सकते हो, वैसे सनरूफ ओपन करने का ऑप्शन है, ये हमने सनरूफ ओपन कर दी, तो हम वापस इसको बंद कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमने सनरूफ ओपन करी थी, वापस हमने सनरूफ क्लोज कर दिया। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा फीचर है। लाइट्स आपको देख सकते हो यहाँ पर, LED लाइट्स मिल जाती है इंटीरियर के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सही है। बैकग्राउंड में भी आपको लाइट्स मिल जाती है अच्छी खासी, भाई डेफिनेटली वर्थ इट कार है। एंड ऊपर भी आपको हेडरूम काफी अच्छा मिल जाता है, हेडरूम वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा, एंड यहाँ पर साइड में आपको डोर लाइक सेटिंग अप हैंडल्स मिल जाते हैं, इनका प्रॉपर टर्म नहीं पता है, बट हाँ आपको मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। बाकी यहाँ पर अगर आप ड्राइवर डोर की बात करते हो, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सारे ही जितने मिरर्स हैं यहाँ पर कंट्रोल मिल जाएंगे, डोर लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, सारे डोर एक साथ लॉक कर सकते हैं, बैक विंडो कंट्रोल मिल जाएगा कि विंडो पीछे से कंट्रोल कर जा सके कि नहीं, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर जो आपके ORTM है उनको लेफ्ट राइट रोटेट करने का, ओपन अप एंड क्लोज करने का, प्लस यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल स्पेस मिल जाता है, एंड ये थोड़ा बहुत स्टफ रखने का स्पेस। बैक में भी बता दूं, बैक में भी काफी ज्यादा स्पेशियस है यार, लाइक लिटरली कुशनिंग बहुत अच्छी है, बैठ सकते हो लॉन्ग रूट्स नो डाउट। आपको बीच में भी यहाँ पर ये देख सकते हो अच्छा खासा मिल जाता है लाइक बॉटल रखने के लिए, तो डेफिनेटली स्पेस बहुत अच्छा है भाई, नो डाउट। और सीट्स वगैरह भी काफी बढ़िया है, लेदराइज्ड, आई डोंट नो, आई थिंक भाई ने शायद से कवर अप वगैरह करवाया इसमें, वैसे एयरबैग्स है तो आई डोंट थिंक सो उसने करवाए होंगे। तो ये है इसका भाई बूट स्पेस जो है 600 लीटर अप्रॉक्स, आप देख सकते हो ये सीट है कन्वर्टेबल, ठीक है, इसको सीट को आप कन्वर्ट करके पीछे भी दो लोग बैठ सकते हैं बहुत आराम से, काफी अच्छा स्पेस रहता है, बाकी चाहो तो इसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हो। पीछे भी स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, आप एक बार ध्यान से देखोगे दो स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, स्टेपनी वगैरह भी नीचे होगी इसमें। सो गाइस यहाँ पर जैसा मैंने बोला था कि स्पीकर्स टेस्ट आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स इसमें 12 है, जैसा कि मैंने बताया। डोर्स में आपको देखेंगे आप, दोनों साइड डोर्स में मिल जाते हैं, प्लस आपको फ्रंट में एक मिल जाता है, आई थिंक ये बेस के लिए होता है, राइट, हाँ सब ऊपर, एंड यहाँ ऊपर आपको भी मैंने बता दिया था पहले ही, छत पे मिल जाते हैं और रूफ साइड में, बैक साइड में मिल जाते हैं, और पैनल्स में भी 4 हैं। तो बेसिकली ये सब मैंने आपको दिखा दिया था, और बूट साइड में मैंने दिखाई दिया था पहले ही। तो अब यहाँ पर इसका एक हम लोग ऑडियो टेस्ट आउट करते हैं कि कैसे स्पीकर्स परफॉर्म करते हैं, तो भैया अपनी मनपसंद गाना बजा रहे हैं। तो डेफिनेटली भाई इसके जो बेस है वो भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है, और साथ ही साथ में जो क्लैरिटी है भाई वो भी बहुत अच्छी है स्पीकर्स की। बस हाँ यार आई थिंक लेकिन केबिन बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा कम लाउड फील हो रहा है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको मिल जाता है भाई सीट को आगे और पीछे करने के लिए, लाइक पूरे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हैं, और साथ ही साथ में आप देख सकते हो ये है सीट को एडजस्ट करने के, लाइक आप सीट को जो है आगे पीछे कर सकते हो, इवन तो अप डाउन भी कर सकते हो, सीट की जो हाइट है उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं लेग रूम कैसे बात करता है, अगर आप यहाँ पर तो एडजस्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर बैक साइड की बात करते हैं तो अगर बैक साइड दिखाता हूँ, बिकॉज वही मेजर रोल प्ले करता है, बस बिकॉज अगर आप लॉन्ग ट्रिप वगैरह मार रहे हो दोस्तों के साथ में तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर स्पेस होना ज़रूरी होता है। मैंने अभी सीट एकदम पीछे करके रखी है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेस है, और अगर बैठ जाता हूँ, अगर आप बैठने की बात भी बात करोगे तो भाई स्टिल बहुत स्पेस है कि आप हाँ पैर फैला सकते हो, और पैर फैलाने के बाद भाई आराम से अच्छी खासी नींद ले सकते हो भाई। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जगह, और हेडरूम की बात करें तो पीछे भी बहुत अच्छा हेडरूम है भाई, देख सकते हो, लाइक सीरियसली अगर देखा जाए तो एक हाथ का गैप है पूरा, और फ्रंट में भी लाइक उतना ही था। तो डेफिनेटली भैया के एकदम बाल बाल पर टच कर जा रहे हैं,
तो हेडरूम भाई काफी अच्छा है, इवन कंफर्टेबल बहुत ज्यादा, इवन दो सीट्स भी कंफर्टेबल है भाई। तो गाइस अभी मैं जिस फीचर की बात कर रहा था, लाइक अगर आप मॉर्निंग में हो या घर से निकल रहे हो ऑफिस के लिए, या फिर कभी भी लाइक कहीं पर बाहर कार खड़ी कर दियो, फिर कहीं जाना चाह रहे थे, कार वैसे धूप में खड़ी है गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आप कार में जाके डायरेक्ट बैठोगे तो बहुत ज्यादा हीट रहती है, तो उसको पहले से ठंडा करने के लिए जो चीज मैंने बताई थी आपको, वो रहा है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का बेसिकली नाम क्या भैया? एट्रॉनिक्स नेम है एप्लीकेशन का, ठीक है। इससे आपकी कार कनेक्ट रहेगी, तो आपने आप देख सकते हो लाइव यहाँ पर से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग विथ योर स्कॉर्पियो एन, राइट। जो अपना ऐप है वो पेयर आउट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं कार की, लाइक स्टार्ट इंजन, ठीक है। स्टार्ट इंजन पे क्लिक करेंगे देन कार यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको कार भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको पिन डालना होगा। पिन हम लोग हाइड कर दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है बिना कुछ किए अंदर जाए। अब यहाँ पे हम एसी के थ्रू इस गाड़ी को पहले से कूल कर सकते हैं 5-10 मिनट पहले और आराम से जाकर गाड़ी में। ऑल राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो पार्किंग लगाया है, रिवर्स है एंड न्यूट्रल प्लस, यहाँ पर आपको जो एम मिलता है और डी मिलता है, दैट मींस डी ड्राइविंग एंड एम मींस यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड मिल जाता है, जैसे आपको लेफ्ट करना है, राइट। हाँ ओके, एंड बाकी आप यहाँ से भी शिफ्ट आउट कर सकते हो ड्राइव मोड से, बट ये होता है क्विक मोड जो कि बहुत ईजिली हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स आपको पहले बता देते हैं, SOS है एंड कैमरा टर्न करने का है, ठीक है, तो यही बेसिकली। एंड ये तो ट्रैक्शन का आई थिंक, अच्छा हिल का, हिल असिस्ट, ओके ओके, लाइक पीछे वो नहीं आने का ना। ऑलराइट, स्टीयरिंग मेरे को काफ़ी स्मूथ फील हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेफ्ट में, आई थिंक ऑटोमेटिक वो मिल जाता है वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और ऑटोमेटिक यहाँ पर हेडलाइट वगैरह मैंने बताई दी थी स्टार्टिंग में आप लोगों को। लेट्स गो। वैसे आपने अभी कौन से मोड पर लगाई है? मॉडरेट पे ना, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी हम लोग पूरा जो राइड आउट कर रहे हैं ऐसे टेरेन जोन में कर रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो अभी बाहर से एक दो शॉट्स ले लेंगे जब यहाँ पर वापस जब गाड़ी घूमेगी, अदरवाइज बाकी देखिए इस तरह के टेरेन रोड पे अगर आप चलाते हो, और टेरेन कह लो काइंड ऑफ ऐसा ऑफ रोडिंग टाइप वाला सीन, तो यहाँ पर देखो भाई डेफिनेटली बहुत स्मूथ फील हो रहा है मेरे को। जो इसके शॉकर्स वगैरह हैं बहुत सॉफ्टर साइड पर हैं, आप अंदर बैठोगे तो आपको अंदर बम्प्स वगैरह फील नहीं होंगे, बहुत ईजिली हम ऊपर से नीचे आ गए, कुछ फील आउट नहीं हुआ। चलाने में डेफिनेटली बहुत स्मूथ है भाई, स्टेयरिंग इसकी जो मैनूवरिंग है वो बहुत प्यारी है, जस्ट लाइक थोड़ा थोड़ा सा आपको मूव करना है बस, बहुत ईजिली मैनूवर हो रही है। लाइक पावर तो भाई डेफिनेटली बहुत तगड़ी है। मैं स्टिल अभी एक्सेलेटर का यूज़ ज़रा सा भी नहीं कर रहा हूँ भाई, अपने आप ही इतने पे चल रही है। अगर एक्सेलेटर यूज़ करूँगा तो भाई सोचो कितनी ज़्यादा पावर होगी इसमें, तो डेफिनेटली भाई पावर नो डाउट बहुत ज़्यादा है इसमें। ब्रेक्स भी बहुत तगड़ी हैं भाई, बहुत चिपक के बैठ रही हैं एकदम। एंड एक बार हम लोग इस लॉन्ग रोड पे थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके देख लेते हैं। सो विल सी लाइक, हाँ अगर स्पीड अप में भी बम्प्स में चलाते हो तो आपको इतना ज़्यादा कुछ फील आउट नहीं करने वाला है, तो डेफिनेटली भाई कार तो वर्थ इट है। स्पोर्ट्स मोड पे चलाने के लिए भाई डेफिनेटली ऐसा एरिया नहीं है, वरना स्पोर्ट्स मोड पे भी चला लेते, चलाने में बहुत लग्जरियस फील दे रही है, इंटीरियर्स बहुत ज्यादा लग्जरियस है मैंने हिसाब से बताया था। सो गाइस ये था कुछ रिव्यू ऑन द ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। बेसिकली अगर आप बात करता हूँ मैं इस कार की, तो डेफिनेटली यार वर्थ इट कार है भाई इस प्राइस रेंज में। 28 लाख अगर आप पे कर रहे हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ में फीचर्स के साथ में डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है भाई, एक काफ़ी अच्छी यार वर्थ इट कार मिल रही है आपको, जस्ट बिकॉज एक ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड है ये। और साथ ही साथ में मैं बात कर रहा था जैसे कि लुक्स की, तो भाई लुक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, माइलेज भी अच्छा है, और एक लुक भी लुक यानी कि आपको रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी मिल जा रही है, तो डेफिनेटली वर्थ इट कार है भाई। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, क्योंकि इस कार के साथ में आपको बहुत अच्छा रौला मिलेगा। और ये पीछे म्यूजिक प्ले कर दिया भैया जी ने, समझ रहे हो ना भाई, इस कार में मज़े ही मज़े हैं और डेफिनेटली वर्थ इट कार है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा अच्छे से मैं रिव्यू कर नहीं पाया जस्ट बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो बनाए हुए, तो अभी काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो इतने अच्छे से ज़्यादा कवर अप नहीं कर पाया सारे पॉइंट्स को, लेकिन बहुत जल्दी भाई अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी जिसमें कि बहुत अच्छे से रिव्यू अप करूँगा। सो फॉर दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा अच्छा इंप्रूव कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड राइड सेफ, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, राइड सेफ, स्टे सेफ।